प्रधान जी क्या बताएंगे आपको, क्या स्थिति रही है, किसी आरोपी गिरफ्तार छोड़ दिया क्या करना चाहिए? देखिए आज जो प्रोग्राम था देश की संसद पे जाने का, वो लोग वहां पे ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने हरियाणा में सभी लीडरों को गिरफ्तार किया है। कुछ बच भी गए होंगे लेकिन ज्यादातर को गिरफ्तार कर लिया, और मुझे भी सवेरे 4:45 बजे घर से अरेस्ट कर लिया इन्होंने। तो दुर्भाग्यपूर्ण इसको कह सकते हैं कि जिसको अरेस्ट करना चाहिए, जो मुजरिम है, मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए इनके पास ना कानून है ना पुलिस है, और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पता लगा है कि दिल्ली से भी आज जो आंदोलनकारी थे उनको उठा लिया है, उनके टेंट वेंट भी उखाड़ दिए हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो न्याय मांगते हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। आगे योजना क्या रहने वाली है, आपको रिहा कर देंगे क्या कहेंगे? देखिए अभी इन्होंने रिहा कर दिया है और 751 का मुकदमा दर्ज किया है, 751 का मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्होंने रिहा कर दिया है। लेकिन हम एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि इन्होंने दिल्ली जाने से रोका है, हम 4 तारीख को मुंडलाना में, सोनीपत में, मुंडलाना गांव है गोहाणा के और पानीपत के बीच में, मुंडलाना में 4 तारीख को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं हरियाणा सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर सरकार रोकना चाहती है फिर 4 तारीख को रोक के दिखाए, हम भी अपनी तैयारी करके चलेंगे और सरकार भी अपनी तैयारी करके चलेगी। चार का झंडा क्या नहीं, अब तो दिल्ली जाने का कोई टाइम नहीं बचा है, अब तो दिल्ली जाने का यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, और वैसे भी वो वहाँ भी सबको खुर्द बुर्द कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। चार का झंडा क्या रहेगा? चार का झंडा जो है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे माननीय सत्यपाल जी हैं, उनको बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनके हौसले बढ़ाएंगे कि पूरा हरियाणा उनके साथ में है। और मैं पूरे हरियाणा के भाइयों से कहना चाहूंगा कि सभी हरियाणा के भाई, सभी किसान, सभी मजदूर 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मुंडला। अब क्या संदेश रहेगा जो आपके समर्थक हैं या जो आपके फॉलोवर्स हैं जो बैठे हुए जगह जगह, उनके लिए हरियाणा में? हरियाणा वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर तो हमारे साथी मेरे ख्याल से छोड़ दिए होंगे और हमें भी छोड़ दिया है, कहीं पे कोई उपद्रव इस तरह का ना करें, कहीं पे रोड बंद करने जैसा या कोई और कोई इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि जो ऊपर से कॉल थी वो यहीं तक की थी, और जैसे ऊपर से कोई और कॉल आएगी उसके बाद अगला कदम उठाएं। जो पहलवान हटा दिए गए, दोबारा पहनना चाहिए क्या कहना चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो वहां से हटा दिए गए उनको? बिल्कुल दोबारा वहीं पे बैठाएंगे उनको, या जो भी, ये नेतृत्व उनका है, जो वो कहेंगे हम उनके साथ में है, और 4 तारीख को एक बार हरियाणा के भाई फिर इकट्ठे होकर उनके समर्थन में जो है वो आवाज बुलंद करेंगे।